हे एवरीवन, अगर आप गूगल पे टॉप हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसिंग जॉब सर्च करोगे तो आपको टॉप 3 जॉब में कॉपीराइटिंग का जॉब मिलेगा ही। आज के टाइम पे एज अ फ्रीलांसर कई लोग पर आर अप्रोक्स $40 मतलब 1200 से 1300 कमा रहे सिर्फ कॉपीराइटिंग करके। और जो लोग एज फुल टाइम कॉपीराइटर का जॉब कर रहे विद अ गुड एक्सपीरियंस, तो फिर तो वो लोग आराम से हर महीने 6 फिगर की सैलरी घर पे ले जा रहे। बट द क्वेश्चन इज कि कॉपीराइटिंग का जॉब होता क्या है। सो बेसिकली एज अ कॉपीराइटर आपको कॉम्प्लेक्स मटेरियल और कंटेंट को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन और प्रेजेंट करना होता है, सो डेट हर एक इंसान और रीडर को आपका कंटेंट समझ में आ जाए। एज अ कॉपीराइटर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट या कोई भी कंपनी के अलग अलग डोमेन में काम कर सकते हो, जैसा कि वेबसाइट कॉपी, ईमेल कैंपेन, ब्लॉग पोस्ट, वीडियो स्क्रिप्ट, डिजिटल एंड प्रिंटिंग एड्स, पैकेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब सवाल यहाँ फिर से ये आता है कि कॉपीराइटिंग करते कैसे और एज अ बिगिनर आप कैसे कॉपीराइटर बन सकते हो। तो वेल, आज के इस वीडियो में मैं 6 स्टेप बताऊंगा जो कॉपीराइटर बनने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कॉपीराइटर बनने के लिए आपको खुद के अंदर कौन सी स्किल्स को बिल्ड करना चाहिए। अब वो स्टेप और स्किल्स क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। एक अच्छा प्रोफेशनल कॉपीराइटर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें अच्छे से समझना होगा। आपको अपनी ऑडियंस की नीड्स, डिजायर और इवन हर टाइप के पेन को समझ के अपना कंटेंट लिखना होगा, सो डेट आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट से खुद को कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आप एक फिटनेस प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिख रहे हो जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि वो वर्कआउट और एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। अब ऐसी ऑडियंस की नीड, डिजायर और अलग अलग चैलेंजेस को समझ के आपको ऐसा कंटेंट लिखना होगा जिससे लगे कि वो प्रोडक्ट उनके लिए कन्वीनियंट है और जो उनके वर्कआउट प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और कैसे वो प्रोडक्ट उनकी डेली की बिजी लाइफस्टाइल में इजीली फिट बैठता है। स्टेप नंबर 2, क्राफ्टिंग अटेंशन बाय ग्रैबिंग हेडलाइंस। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके अपलोड की वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप एक अच्छा थंबनेल और एक आई कैचिंग टाइप टाइटल रखते हो। सिमिलरली एज अ कॉपीराइटर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने कंटेंट के लिए एक तड़कती फड़कती अटेंशन ग्रैब करने वाली हेडलाइन लिखना होगा। एक ऐसी हेडलाइन जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर होना चाहिए। पहला है क्यूरियोसिटी, मतलब हेडलाइन पढ़ के रीडर और भी ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। दूसरा, बेनिफिट को बोल्ड में स्ट्रांगली हाईलाइट करो। और तीसरा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एकदम स्पेसिफिक वे में मेंशन करो सो डेट उसका सॉल्यूशन मालूम करने के लिए ऑडियंस आपका कंटेंट ओपन करके पढ़े। फॉर एग्जांपल, सपोज करो आप एक वेट लॉस प्रोग्राम के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो आप टाइटल लिख सकते हो कि लूज 10 पाउंड्स इन 10 डेज, डिस्कवर द सीक्रेट टू अ स्लिमर यू। देखो, इस टाइप का टाइटल रीडर्स को आपके कंटेंट की तरफ इसलिए ग्रैब करेगा और इसमें एक प्रॉमिस है एक क्विक और डिजायरेबल आउटकम का, और जिसे जानने के लिए वो आपके कंटेंट को ओपन करके कंटिन्यूसली आगे जरूर पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, कम्युनिकेटिंग द USP। देखो, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट का USP मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हर प्रोडक्ट में कुछ यूनिक क्वालिटी और एडवांटेज होते जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाते, और आपको इसी यूएसपी को अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है अपना कंटेंट लिखते वक्त, सो डेट कस्टमर को आप बता सको कि क्यों वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग और बेटर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो आपको उसकी यूएसपी को माइंड में रखते हुए हर एक सेंटेंस ड्राफ्ट करना होगा, जैसे कि रेवोल्यूशनरी एंटी एजिंग फॉर्मूला से गुड बाय टू रिंकल्स एंड रिवील यूथफुल स्किन इन जस्ट 30 डेज। प्रोडक्ट की यूएसपी बता के और कौन सी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है ये स्पेसिफिकली मेंशन करके आप रीडर्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन देते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। स्टेप नंबर 4, एंगेज थ्रू स्टोरी टेलिंग। मैं अपनी मोस्ट ऑफ दी वीडियोस का स्टार्ट एक स्टोरी बोल के करता हूँ, क्योंकि जब आप एक स्टोरी का यूज करते हो कुछ बताने के लिए या समझाने के लिए तो फिर लोग इजिली खुद को उससे कनेक्ट कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो चीज उन्हें अच्छे से समझ आ जाती है।
सिमिलरली एज अ कॉपीराइटर, अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस आपके कंटेंट से खुद को इमोशनली कनेक्ट कर सके और वो कंटेंट उन्हें लंबे समय तक याद रहे, तो फिर आपको स्टोरी टेलिंग स्किल्स में मास्टर बनना होगा और एक बेस्ट स्टोरी टेलर बनना होगा। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कैसे। सपोज करो आप एक ट्रेवल एजेंसी के लिए कॉन्टेंट लिख रहे हो जिसमें आप पेरिस के बारे में बता रहे हो। अब उस कॉन्टेंट में सिंपली डेस्टिनेशन और प्राइजेस बताने की जगह आप एक कपल की स्टोरी बता सकते हो कि कैसे पेरिस की सड़कों को एक्सप्लोर करते हुए और अलग अलग खूबसूरत जगह देखते हुए उनके अंदर खोया हुआ प्यार वापस जाग गया। अलग अलग पेंटिंग्स, कलर्स और इमोशन को जब आप अपने कंटेंट में डालते हो स्टोरी के थ्रू, तो उसे रीड करते वक्त रीडर का इमेजिनेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जिससे उनके अंदर डिजायर पैदा होती है कि वो भी सिमिलर टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। स्टेप नंबर 5, इंक्लूड सोशल प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल्स। आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं है। अपने कंटेंट में आप लिखते हो कि आप बाकी सारे कॉम्पिटिटर के कंपेयर बहुत ज्यादा बेटर हो, बट द क्वेश्चन इज प्रूफ क्या है। आज की दुनिया चलती है प्रूफ पे, हर जन को प्रूफ देना है और हर जन को प्रूफ चाहिए भी। एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल दू तो आकाश ट्यूटोरियल बायजूस के पेपर एड जिसमें वो लोग स्टूडेंट के फोटो अलोंग विद रैंक प्रिंट करते हैं। अब पता नहीं वो सच भी है या नहीं, लेकिन ऑडियंस के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि यहाँ से पढ़ के बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सिमिलरली एज अ कॉपीराइटर, जब आप भी कोई कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की जेन्युइन और रियल प्रूफ जरूर मेंशन करो। इससे आपका वो कंटेंट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और जो ऑडियंस को और भी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। स्टेप नंबर 6, यूज कन्विंसिंग CTA। हर चीज का स्टार्ट अच्छा होना जितना जरूरी होता है, उतना ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल उसका एंड भी होना चाहिए। पहले के 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर लोगे कि क्यों आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक और बेस्ट है। लेकिन अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए, ये आप उन्हें कैसे बताओगे? वेल, इस चीज को इजी और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको अपने कंटेंट का एंड एक स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग CTA मतलब कॉल टू एक्शन के साथ करना चाहिए। ये CTA कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेकिंग अ परचेज, साइनिंग अप फॉर अ न्यूज़लेटर और रिक्वेस्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन। इससे आपका आपकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक ई कॉमर्स फैशन वेयर वेबसाइट के लिए कॉन्टेंट लिख रहे हो, तो आपका CTA हो सकता है अपग्रेड योर वार्डरोब टूडे, शॉप नाउ एंड एंजॉय एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इस टाइप का एंडिंग CTA ऑडियंस में क्यूरियोसिटी एंड एट द सेम टाइम अर्जेंसी पैदा करता है, सो दैट वो जल्द से जल्द एक्शन ले सके। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे फॉलो करके आप खुद को एक स्किलफुल और इम्पैक्टफुल कॉपीराइटर बना सकोगे। देखो, आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन आने वाले टाइम में कॉपीराइटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसलिए अगर आप उस डिमांड में खुद को फिट बैठाना चाहते हो तो आज ही से ये स्टेप को फॉलो करके कॉपीराइटिंग की स्किल को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको कॉपीराइटिंग सीक्रेट बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी कॉपीराइटिंग की स्किल को सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपको कॉपीराइटिंग में इंटरेस्ट है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।